देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से सटे भिवंडी शहर में दाऊद शाह मस्जिद पर रमजान महीने में गिरे पतरे को लेकर पूरे विवाद में पुलिस ने किसी भी आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है, लिहाजा वहां काम करने वाले लोगों में काफ़ी खौफ का माहौल देखा जा रहा है। इस मस्जिद को बनाने के लिए फैजान ने अपने ज़मीन जायदाद को बेचकर आवाम के लिए एक मस्जिद और दरगाह का निर्माण करवाया, जिसके बाद दबंगों ने बची हुई ज़मीनों पर कब्जा कर अवैध तरीके से एक फैक्ट्री शुरू कर दी। उस फैक्ट्री के ऊपरी भाग में लगा हुआ छज्जा रमजान महीने में गिरा, जिसकी शिकायत करने पर भू माफिया और पूर्व सरपंच साथी के साथ पुलिस प्रशासन ने फैजान को ही कानूनी दावपेच में फंसाने की धमकी दी, लिहाजा उनकी सेहत खराब होने से इस मामले में वह आगे नहीं बढ़ पाए। कुछ दिन पहले ही मुंबई पुलिस और शासक के अधिकारियों को पत्र भेजकर इसकी जानकारी फैजान ने दी, बावजूद इसके प्रशासन इस मामले में कोई गंभीरता लेती नहीं दिख रही है। हालांकि इस तरह के दबंगों ने इन इलाकों में कानून को ताक पर रखकर ऐसा काम करते हैं जिन्हें महाराष्ट्र सरकार ने या तो बैन किया है या तो पाबंदी लगी है, फिर भी भिवंडी शहर में इस तरह की गतिविधियां आए दिन देखने और सुनने को मिलती है। गौरतलब है कि भिवंडी शहर में कहीं ना कहीं कानून की अनदेखी जनता की मुसीबत बनती जा रही है। इस मामले में पुलिस की लापरवाही और कानून का गुपचुप लोहिया इन माफियों के हौसले बुलंद कर रहे हैं। पीड़ित का कहना है कि इस मामले में उसे न्याय चाहिए, क्योंकि इस तरह का अपराध आगे चलकर और खतरनाक साबित हो। रमज़ान महीने में 16 तारीख को जुम्मा का दिन था, मैं नमाज़ पढ़ने के लिए इधर आया तो इस मस्जिद के ऊपर पतरे देखो, आप देख सकते हैं कि पतरे टूट गए, इसके ऊपर पतरे गिर के आए, तो जमात 8:45 खड़ी नहीं थी, 8:15 हादसा हुआ, मौलाना लोग बच गए और वो भाग के निकले। तो बोलने के लिए गया तो मेहताब शेख कांग्रेस का उप सरपंच है, उसने मेरे ऊपर हमला कर दिया और बेदर्दी से मुझे इतना मार दिया, आदमी लोग पकड़ के मुंडे से मेरे सर में मार दिया, जिसकी फ़ोटो वगैरह मेरे पास में सब है। और मैं मारने के बाद मेरे को जान से मारने को लिया, मेरी बीवी और बच्चा आ गए तो मैं बच गया। हाँ, बेदर्दी से मुझे मार दिया, मुझे जान से मारने की धमकी दी, मुझे जान से मारने की धमकी दे दी। और उसके बाद में मैं यहाँ से, जैसे मैं जख्मी हालत में हुआ, लोग उधर नमाज़ पढ़ रहे थे, मैं माहौल को ख़राब करना नहीं चाहता था, इसके लिए मैं पुलिस स्टेशन में पुलिस लोगों की मदद लेने के लिए गया। पुलिस स्टेशन में मेरे को 2 बजे तक बिठा के रखा, मगर मेरी सुनवाई कोई की नहीं। मैं बोला मैं तड़प रहा हूँ, मेरे को हॉस्पिटल तो ले जाओ, सातपुते को बोला, इंचार्ज को बोला, जाधव को बोला, कोई मेरे को उठा के नहीं लेके गया। उसके बाद में मैं तो अपनी हालत जैसी वैसी, मैंने बोला कम से कम मेरी केस तो लो, बोले लेंगे ना, घाय क्या है तेरे को। तो उसके बाद में FIR भी ऐसी शादी ले लिया और मेरे को सरकारी हॉस्पिटल में गया, वहाँ मेरा ट्रीटमेंट किया, उन्होंने बोले कि सोनोग्राफी और एंजियोग्राफी।